कई हफ्तों के बाद अब भारतीय सरकार एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है और हमारी सरकार ने कई देशों के सामने रशिया को बड़ी लताड़ लगाई है। इतनी सख्त टिप्पणी खास तौर पर भारत की तरफ से रशिया के लिए तो कम ही सुनने को मिलती है। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि यूनाइटेड नेशंस में इतने सारे देशों के बीच भारत क्यों अचानक से रशिया के ऊपर इतना भड़क उठा है। दो दिन पहले ही रशिया ने यूक्रेन के अंदर एक हैवीली पॉपुलेटेड मॉल के ऊपर मिसाइल हमला किया था। हालांकि रशिया ने भी कहा है कि शॉपिंग मॉल उसका रियल टारगेट नहीं था, यानी वो असल में शॉपिंग मॉल के ऊपर मिसाइल हमला नहीं कर रहा था बल्कि उसका रियल टारगेट कुछ और ही था। वैसे रशिया यहाँ पर कुछ भी बोले, लेकिन जिस समय रशिया ने शॉपिंग मॉल के ऊपर मिसाइल हमला किया उस समय वो मॉल खचाखच भरा हुआ था। ऐसे में शॉपिंग मॉल के ऊपर रशिया के इस मिसाइल हमले से अब तक कुल 18 लोग मारे जा चुके हैं जबकि करीब 60 घायल हैं और 21 लोगों का तो नामो निशान भी नहीं है, यानी उनकी बॉडी तक का भी सबूत नहीं मिल पा रहा है। कहने का मतलब है कि रशिया ने जो शॉपिंग मॉल के ऊपर स्ट्राइक्स की थी वो बेहद एक्सप्लोजिव थी और उससे काफी नुकसान भी हुआ है। वैसे रशिया ने तो यहाँ पर सफाई पेश करते हुए बोला है कि उसका असली टारगेट शॉपिंग मॉल नहीं बल्कि कुछ और ही था, लेकिन रशिया के ऊपर विश्वास इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि जब से ये यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से अब तक रशिया की फोर्सेज ने थिएटर, हॉस्पिटल, ट्रेन स्टेशन और स्कूल तक को निशाना बनाया है जहाँ पर यूक्रेन के कई सारे आम लोग शरण लेने के लिए गए थे। यूक्रेन में रशियन फोर्सेस द्वारा सिविलियंस की लगातार हत्या की जा रही है। ऐसे में इस बार भी रशिया के ऊपर कोई विश्वास बिल्कुल नहीं कर रहा है और एक बार फिर रशिया की आलोचना फिर से काफी तेज हो गई है और वो देश जिन्होंने रशिया को आड़े हाथों लिया है उनमें अब भारत भी शामिल हो गया है। शॉपिंग मॉल के ऊपर मिसाइल हमला करने के बाद भारत ने भी पिछले कल रशिया की कड़ी आलोचना की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक भारत ने बोला है कि रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच में जो वहां पर सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, रशिया के हमले में आम लोगों को जो निशाना बनाया जा रहा है उससे भारत बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब और चिंतित है। दरअसल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दुनिया के 15 मेंबर्स एक साथ मिलकर यूक्रेन के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। उस दौरान भारत के यूएन में डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आर रविंद्र ने भारत का पक्ष रखते हुए बोला कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण कई लोगों ने अपनी जान खोई है, वहां पर लोगों ने अनगिनत दुख झेले हैं, खास तौर पर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों ने। वहां पर लाखों लोग बेघर हो गए हैं और उनको शरण लेने के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ रहा है। यूक्रेन की सिचुएशन को लेकर भारत आज की डेट में बहुत ही चिंतित है। आर रविंद्र ने आगे बोला कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस के मारे जाने की खबरें बहुत ही परेशान करने वाली हैं और इस संबंध में भारत अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करता है। शॉपिंग मॉल वाले इंसिडेंट के ऊपर इशारा करते हुए भारत ने बोला कि इस युद्ध के कारण अर्बन एरियाज में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। भारत ने कहा कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सिविलियन ऑब्जेक्ट्स को इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, यानी इनडायरेक्टली भारत ने रशिया को साफ तौर पर इशारा कर दिया कि वो इस युद्ध में सिविलियंस और सिविलियन ऑब्जेक्ट को टारगेट ना करे और उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनका सख्ती से पालन करे। आर रविंद्र ने इसके साथ ये भी बोला कि हम यूक्रेन के लोगों की पीड़ा और उनके दुख को कम करने के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं, विशेष रूप से टॉक्स का, यानी रशिया और यूक्रेन के बीच जल्द से जल्द टॉक्स दोबारा से शुरू होनी चाहिए। इसके साथ ही भारत ने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी और फर्टिलाइजर्स की सप्लाई चेन का भी मुद्दा उठाया। भारत के रिप्रेजेंटेटिव की स्पीच से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि रशिया को भारत की तरफ से ये साफ संदेश दिया जा रहा है कि यूक्रेन के सिविलियंस को टारगेट ना किया जाए। खैर, क्या भारत की स्टेटमेंट से संतुष्ट हैं, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।